प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में शौचालय की व्यवस्था दी जानी है, जबकि बक्सर ब्लॉक के जासू गांव में लगभग 80 वर्षों से तकरीबन 700 लोगों को यहां शौचालय के बिना झेलनी पड़ रही है परेशानी। यहाँ तरह का समस्या बा खाना के जानी जा दूसरा कहते आदमी देखे ला लोग तर बैठे नहीं जा खाना के जरूरत ना रुको उसे तरह का दिक्कत बा का दिक्कत बा पर खाना बन जाए तो ठीक है ना हो जाए हमने खाते न तो आदमी देखा तो बैठा तो उठा सन गया हवा पानी आवा तो गंदा के और का होता उसे रोग फैलता और का यहाँ पर सरकारी जमीन है ये नहीं है रोड रोड पर ऐसे मर मैदान होके तो बहुत दिक्कत बा मर मैदान करे खातिर कहाँ जाए जाए ऐसा ही रोड पर बढ़ जाते हैं बिना लाश शर्म का। और आपकी बेटी बहू कहाँ जाती है? बेटी बहू वही तरी बढ़ता है सब जगह है ये नहीं है। बीपीएल में नाम है? हाँ बीपीएल में नाम है। इंदिरा आवास मिल चुका है? हाँ इंदिरा आवास मिल चुका है। तो फिर आप लोग लैट्रिन की मांग नहीं किए? लैट्रिन की तो मांग किए तो सब आता है ऐसा ही बोल बोल चले जाते हैं यह मिलेगा वह मिलेगा। गांव में समस्या आई है कुछ जमीन के कमी के चलते पैखाना कुछ लोग नहीं खन बना पावत। एक घर में चार पांच भाई बानी तो कहाँ और सब अलग अलग बानी तो एक ठाई बनियो जाओ तो फिर वो जो हैं थोड़ा झगड़ा टटर के तरह चलते अब कहाँ बनवा मेन हम की समस्या है कुछ जमीन के एक घर बाटे तो रोड़ा लैट्रिन के या जमीन के समस्या के कहीं कहनी मांग कहीं नहीं अपन छै बताई कि हम कोई ठई हम के तो दरखास्त लिख के देबो के नहीं जा लेकिन ऊपर कोई सुनवाई नहीं करता हम के कहाँ जाए जा कुछ हम की समझ में नहीं आवे ये समस्या रोड़ी साथे बाकी गांव के और लोग साथे हम के पूरे महला के भी बा ये समस्या। मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि इस जासो गांव में सभी दलित बस्ती के लोगों के लिए समान रूप से शौचालय की मुहैया कराई जाए। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 94 31 81 84 55 पर कॉल कर मेरी मदद करें ताकि इन लोगों को शौचालय की व्यवस्था दी जाए। मैं ममता, जिला बक्सर, बिहार, इंडिया अनहट के लिए।